আরে পক্ষী বইয়া রে, ঠিক আছে। Requesting esteemed Pro Vice Chancellor Professor Dr. Also requesting Ms. Swastika Rathore to present a memento to our chief guest. Swastika Rathore, born to Snigdha Mahapatra and Somanath Rathore, Bhuvaneswar of Agricultural Sciences, Shiksha Anusandhan, deemed to be university, has begged India Book of Records on September 2021 for making the smallest Pattachitra painting of Lord Jagannath on stone measuring 9.4 cm in height and 5.4 cm in width. She has begged International Book of Records for the same on 20 July 2021. Requesting our chief guest I request Professor Dr. यहाँ जैसे शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी में आके तो बहुत ही अच्छा लगा। आज ही इसका रजिस्ट्रेशन का दिन भी है तो बड़ा बहुत ही मतलब स्पेशल डे है। तो और ये देखने कि 1994 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी और आज 26 साल हो गए इसको, और हिंदुस्तान में ये 20वें नंबर पे है, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मतलब बहुत ही इनकरेजिंग न्यूज़ है। तो मैं यूनिवर्सिटी को बहुत बधाई देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रथम नंबर पे आ जाएं और बहुत अच्छा काम करें। आपकी फैकल्टीज़ बहुत बहुत बढ़ गई हैं, आपने कहा डेंटल से लेके मेडिकल और 250 पलंग का हॉस्पिटल से लेके इंजीनियरिंग से लेके विधि विभाग भी है और बहुत से विभाग हैं। तो आशा करता हूँ कि आगे भी बहुत बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़रूर मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी काम करें, क्योंकि आने वाले समय में वही एक विषय है जो देश की प्रगति के लिए काम कार्य करेगा। एनवायरनमेंट एंड ह्यूमैनिटी के लिए मैं एक ही कहूँगा कि हम लोग सब रास्ते पे कूड़ा फेंकते हैं, उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कूड़ा फेंक रहे हैं। हम दुकान में जाते हैं पॉलीथीन के पैकेट में, जब दुकानदार हमको सामान खरीद के देता है, हम ये नहीं सोचते हैं कि उसका 50 माइक्रोन है कि 75 माइक्रोन है कि क्या है, ये हमको कौन बताएगा। तो ये जो एजुकेशन, इसकी शिक्षा है, ये स्कूल लेवल से शुरू होनी चाहिए, और स्कूल लेवल में भी 8-9वीं क्लास में नहीं। जैसे आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग पढ़ाते हैं, तो ई फॉर एनवायरनमेंट क्यों नहीं पढ़ाते, ताकि वो दूसरी क्लास का या तीसरी क्लास का बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है। क्योंकि आप ई फॉर एलिफेंट की तो तस्वीर आप लगा देंगे किताब में, अल्फ़ाबेट की किताब में, पर ई फॉर एनवायरनमेंट आप लगा नहीं सकते। एनवायरनमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक पेड़ लगाएंगे, एनवायरनमेंट सिर्फ पेड़ नहीं है, नदी नाले, तालाब, झरने, सभी कुछ है, ग्लेशियर्स हैं, और आप जो खनन करते हैं तो भी नुकसान करते हैं पर्यावरण का। तो पर्यावरण की शिक्षा, पर्यावरण की पढ़ाई उसी लेवल से शुरू होनी चाहिए, उसी कक्षा से शुरू होनी चाहिए जिसमें वो बच्चा समझ सके कि क्या है और सोचने पर मजबूर हो जाए, ताकि वो अपना योगदान आगे चल के एक बड़ा इंसान बनने के बाद, बड़ा हो जाने के बाद, वो अपना योगदान दे सके देश के लिए। आज गोटे आम सोयार गोटे हिस्ट्री गोटे बहुत इम्पोर्टाट जिनस है जे आज आम जस्टिस अमित स्थालेकर आमर सोयार आनुआल लेक्चर प्रथमटा जो आम गोटे आनुआल लेक्चर प्रोग्राम स्टार्ट हो तार प्रथम लेक्चर देले, सी हूँ आम ग्रीन NGT ন্যাশনাল গ্রিন ট্রিব্যুনাল র মানে জুডিশিয়াল মেম্বর সো ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কমি গ্রিন গ্রিন NGT যে অছি সেমানে এনভায়রনমেন্ট উপর কাম করতে। আজি আমার যে প্রথম লেকচার ছিলা
सेटा एनवायरनमेंट एंड ह्यूमैनिटी आम कह जदि एनवायरनमेंट बचिब तो लोक बचे जदि एनवायरनमेंट को मारिदे आम नई गुड़ाक मरीजे आम जंगल मरीज आमर पा मीट पतंग मरीजे तो मनीष मरबन तेणु आमर पर्यावरण जहाँ को आम एनवायरनमेंट कहे कि वायुमंडल हो कि पा हो वायुमंडल हो कि आम मृत्तिका हो माटी हो ताकु जदि आम साफ सुथर रखिपर ताल आम आमर पृथ्वी को आम भारत वर्ष को क्लीन स्वच्छ रखिपर ताल आम बचे पार कारण आमर बर्तमान जो एनवायरमेंटल पल्यूशन होती नाना प्रकार रोग हो श्वासजनित रोग हो कैंसर होद हो तापर आमर जो सेलफोन लगे जो साउंड पल्यूशन होता द्वारा बॉडी रे वाइब्रेशन द्वारा ब्लड प्रेशर होची डायबिटीज होची तेणु बहुत गुड़े रोग आम आज होता आमर पर्यावरण उपर जो प्रदूषित पर्यावरण जो आम रोग होदि आम आम पर्यावरण को सुस्थ रखिपर क्लीन रखिपर स्वच्छ रखिपर ताल आम सुस्थ जीवन जापन कर।